नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जन्म और मृत्यु कब किसका बस चला है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां लोगों के मरने पर पाबंदी है, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल नॉर्वे के लोंगयीरबियन शहर में लोगों के मरने पर पाबंदी है। करीब 2000 लोगों की आबादी वाले इस शहर में 70 से ज्यादा वर्षों से किसी भी लाश को दफनाया या जलाया नहीं गया है। अब सवाल उठता है कि ये कैसा शहर है जहां लोग मरते ही नहीं, तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। नॉर्वे का ये शहर उत्तरी ध्रुव में बसा है। इस शहर के बाद उत्तर दिशा में कोई दूसरा रिहायशी इलाका नहीं है जहाँ लोग रहते हैं। इस शहर में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ये शहर हमेशा बर्फ की चादर तले ढका रहता है। यहाँ साल के 4 महीने सूर्य के दर्शन नहीं होते, यानी 4 महीने अंधेरा ही रहता है, और जब सूर्य निकलता है तो यहाँ के लोग इस मौके को त्योहार के रूप में मनाते हैं। ऐसे में पूरे वर्ष यहाँ बर्फ नजर आती है। यहाँ बर्फ में दफनाई गई लाशें ना तो गलती हैं, ना खराब होती हैं, ना ही उनमें सड़न आती है, बल्कि वो जम जाती है और सालों साल वैसी की वैसी ही रहती हैं। ऐसे में मृत शरीर के वायरस लोगों में बीमारी फैला सकते हैं, इससे बड़ी आबादी को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ मरने की स्थिति में व्यक्ति को दूसरी जगह भेज दिया जाता है। साल 1917 में यहाँ इन्फ्लुएंजा के कारण एक शख्स की मौत हो गई थी। उस समय लोगों ने उस व्यक्ति के शव को वहीं दफना दिया था, लेकिन कई वर्षों बाद जब देखा गया तो वो शव वैसा का वैसा था। उसमें सालों बाद भी इन्फ्लुएंजा के वायरस मौजूद थे। ऐसे खतरे से निपटने के लिए यह नियम बनाया गया कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को दफनाया नहीं जाएगा। इसी वजह से आखिरी समय का आभास होने पर लोगों को शिप या हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।